नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई के कामन परिसर में NCP नेता फहमीदा हसन खान की टीम ने वालू पुलिस के साथ छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखे का जखीरा जब्त किया है। NCP महाराष्ट्र में नशा मुक्ति मुहिम चला रही है, जिसके तहत अब तक कई बड़ी कार्रवाई पुलिस के माध्यम से फहमीदा खान की टीम कर चुकी है। वसई के कामन में एक कंटेनर और गोदाम में बड़े पैमाने पर गुटखा भरे होने की गुप्त सूचना फहमीदा खान की टीम को मिली थी। वालू पुलिस की मदद से उक्त स्थान पर जब छापा की कार्रवाई की गई तो गुटखा माफियाओं के छिपा गोदाम देखकर सबके होश उड़ गए। भारी मात्रा में यहां से गुटखा बरामद हुआ। पंचनामा और माल सामान के आकलन की कार्रवाई पूरी रात चलती रही। पुलिस ने इस जगह से 76 लाख के ऊपर का गुटखा बरामद किया है। पेश है वसई की यह खास रिपोर्ट। आज हमारी महाराष्ट्र की नशा मुक्त महाराष्ट्र की जो मुहिम है, लगातार आपके आशीर्वादों से आगे बढ़ रही है। आज हमने वालू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कामन वसई में 40 फीट का एक कंटेनर पकड़ा है, जिसमें 175 बैग गुटखे की निकली है। ये जो गुटखा था, ट्रांसपोर्टर राजेश मिश्रा, सेलर आशु गुप्ता और जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जंबो गोवंडी, ये इनका माल था। और इसके लिए वाली पुलिस स्टेशन में अभी FIR दर्ज करने आए हैं। और दूसरा, आज आपको एक न्यूज़ बता दूं कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चाइना क्रिक ब्रिज पे भी हमारे सीनियर PI संजय हजारे जी ने भी एक आयचर गाड़ी पकड़ी है। तो नशा मुक्त महाराष्ट्र की जो ये मुहिम है, लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।